हेलो नमस्कार, मैं हूँ मधु। आप देख रहे हैं सच न्यूज जागो। मैं पहुँच चुकी हूँ एसपी ऑफिस। यहाँ पे सर लोग हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करूँगी कि उनका क्या मामला है और किस मामले में यहाँ पे आए हैं। नमस्ते सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। संदीप जायसवाल, बरवीन जमानिया, गाजीपुर से। सर ये बताइए कि आज आप एसपी ऑफिस आए हैं, किस तरह का मामला है और क्या हुआ है कि आपको एसपी ऑफिस आना पड़ा, आप पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। कल सीएम साहब के कार्यक्रम में हम लोग जा रहे थे जमानिया से चोचकपुर होते हुए सैदपुर के लिए। नारी पंदेवरा गांव के पास भास्कर सिंह, पूर्व विधायक सिंहासन सिंह के लड़के, जिनकी गाड़ी मतलब पीछे से जा रही थी, वो सिंगल रोड होने की वजह से उन्होंने पास मांग रहा था। हमने पास थोड़े से आगे बढ़ के दिया और वो आगे ओवरटेक करके हमारे गाड़ी पे हमला किए अपने समर्थकों के साथ। उनके गाड़ियों का काफिला 8 से 10 था और हमारे गाड़ी को डैमेज किया गया और जान से मारने की धमकी और गाली गलौज देते हुए वहाँ जब कुछ ग्रामीण इकट्ठा हुए तब ये लोग गए हैं वहाँ से। आप एसपी साहब से किस तरह की कार्यवाही चाहते हैं? एसपी ऑफिस हम इसलिए अपने पुलिस अधीक्षक महोदय से कहने आए हैं कि हम लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे। सरकार दावा कर रही है कि अपराधी अपराध मुक्त प्रदेश चल रहा है और अपराधी खुलेआम घटना को अंजाम दे रहे हैं। उन्हीं के कार्यक्रम में, सीएम महोदय के कार्यक्रम में हम लोग जा रहे थे और उसी पार्टी के पूर्व विधायक के लड़के ने हम लोगों पर हमला किया, ये कहाँ सही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, जिला छोड़कर जाना पड़ेगा, इस पे आपका क्या कहना है? तो बस हम सरकार से यही निवेदन करेंगे, एसपी महोदय से यही निवेदन करेंगे कि अपराधियों को उचित, अपराधियों पे उचित कार्रवाई हो और जो मतलब घटना की है उस घटना के सापेक्ष इन पे इनको सजा मिले। सर आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, ये प्रदेश के युवा के उपाध्यक्ष हैं और इनके साथ जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है और ये सरकार के ऊपर एक कलंक है। योगी जी के कार्यक्रम में ये जा रहे थे और किसी भी तरह से द्वेष भावना से इनके ऊपर हमला किया गया कि ये न जाए वहाँ और इनके गाड़ी का तोड़फोड़ हुआ, जो जितनी भी इसकी निंदा की जाए कम है। और हम योगी जी से ये अपील करना चाहते हैं कि जितना सख्त से सख्त कार्रवाई हो उस अपराधी के ऊपर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो देश में जो राम राज्य का सपना है वो अधूरा रह जाएगा। सर उनसे कोई आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं? जी नहीं, व्यक्तिगत कोई दुश्मनी हम लोगों की नहीं थी, ना पहले से कोई, हम लोग आपस में एक दूसरे को देखे भी नहीं थे और कहीं कोई देश नहीं था। सर आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि सर्वज्ञात है कि सिंहासन सिंह नेतृत्वकर्ता थे, विधायक थे पहले के, और अगर एक नेतृत्वकर्ता का लड़का अगर इस तरह की हरकत करता है तो निश्चित रूप से हमारे समाज पर एक बहुत बदनुमा दाग है ये। और जैसा कि हमारे सीएम चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी जी ने बताया है कि हमारे साथ जमीन से हर प्रकार की गुंडागर्दी, अपराध को पूरी तरह से मिटा डालेंगे, तो हमें उम्मीद है सरकार से कि निश्चित रूप से इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी और ताकि समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि माफियाओं को प्रदेश छोड़कर जाना पड़ेगा, इस पे आपका क्या कहना है? अपराधियों का नाम थोड़ी होता है, अपराधी जो अपराध करता है वो अपराधी होता है और वो अपराधी कोई भी हो सकता है और वो किसी भी नाम से जाना और देखा जा सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि वो विधायक का हो, सांसद का हो या किसी क्रिमिनल का ही हो, अपराधी मतलब अपराधी। सर किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई, चूंकि बहुत ही सीधे साधे आप व्यक्ति हैं और बहुत ही सज्जन हैं और कर्म से व्यापारी हैं, तो निश्चित रूप से हमारे व्यापारी भाइयों में, हमारे समाज में किसी प्रकार का डर उत्पन्न न हो, इस प्रकार के अराजक तत्व हमारे समाज में किसी प्रकार के अराजक तत्व अराजकता को न फैला पाएं और किसी भी प्रकार के कुकर्म को करने से पहले 10 बार वो सोचें कि किसी भी शरीफ आदमी या किसी भी व्यापारी वर्ग या व्यापारी नहीं अन्य कोई भी वर्ग हो उस पर इस प्रकार के आपराधिक घटना को अंजाम ना दे सकें। सर अभी आप लोग क्या करेंगे? निश्चित रूप से हम अपने अधीक्षक महोदय से आशा करते हैं इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और मुलजिम को सजा दिलाएं। ये बताइए सर कि अभी आप लोगों की एसपी साहब से मुलाकात हुई है? जी नहीं, अभी मुलाकात नहीं हुई है। अब क्या करेंगे आप लोग?
हम लोग प्रयास करेंगे कि मुलाकात करके अपनी बातों को रखा जाए उनके समक्ष।